हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल विविधता का जियोग्राफी में क्या क्या योगदान है उसको जानेंगे। पहला है कार्ला उसावर, यह अमेरिकन भूगोल वेत्ता है। कैलिफोर्निया में यह प्रोफेसर रहा। सांस्कृतिक भूगोल के पिता इसे कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य एग्रीकल्चर ओरिजन एंड डिसवर्जन 1952 में रहा। इन्होंने कल्चर अर्थ शब्द का प्रयोग किया था, जिसे सांस्कृतिक तल जहाँ संस्कृतियों का उद्गम होता है उसे कल्चर अर्थ कहा जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता को कल्चर अर्थ इन्होंने कहा था, जहाँ से गेहूं और चावल की संस्कृति का विकास होता है। लेक मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंड स्पोक संस्कृति भूदृश्य आकार की सांस्कृतिक भूगोल में नीतम विकास इन्होंने किया था। 1925 में क्षेत्रीय विभिन्नता एरियल डिफ्रेक्शन शब्द का प्रयोग किया, जिसको आगे चलकर रिचार्ड हटरसन ने व्याख्या किया था। अगला है जेनरेज रेफेज एफ बी, यह एक प्रमुख सांस्कृतिक भूगोल वेत्ता है। इसका पुस्तक है कल्चर वर्ल्ड, 1991 में यह प्रकाशित हुआ। इन्होंने विश्व को 7 सांस्कृतिक परिमंडल में बांटा है। ध्रुवीय परिमंडल, यूरोपीय परिमंडल, सांस्कृतिक परिमंडल, शुष्क परिमंडल, यहूदी ईसाई एशियाई परिमंडल, बौद्ध हिंदू, सिंटो जापानी चीनी, अफ्रीकी परिमंडल और प्रशांत परिमंडल, यह 7 परिमंडल में इन्होंने बांटा था। अगला है काल का विलेजर, अमेरिकन एंथोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र विचारधारा का प्रतिपादन किया था। इसका प्रमुख बुक है मैन एंड कल्चर, इसका प्रमुख बुक है। अगला है अल्फ्रेड लुइस कोबर, यह एक अमेरिकन समाज सांस्कृतिक समाजशास्त्री थे। इसका महत्वपूर्ण योगदान प्रजातियों के वर्गीकरण में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस प्रमुख बुक है हैंड बुक ऑफ इंडियंस ऑफ कैलिफोर्निया, जो 1925 में यह बुक प्रकाशित हुआ। कन्फ्रिगेशन ऑफ कल्चरल ग्रोथ, 1944 में यह बुक प्रकाशित हुआ। अगला है जे स्टुअर्ट, यह एक अमेरिकन एंथोलॉजिस्ट थे। सांस्कृतिक भूगोल के विकास और विधियों के लिए यह जाना जाता था। इसका प्रमुख बुक है थ्योरी ऑफ कल्चर रेंज, इसका प्रमुख पुस्तक है। अगला है लीले, यह एक फ्रांसीसी भूगोल वेत्ता व अर्थशास्त्री हैं। पारिवारिक बजट के लिए इन्होंने संकल्पना का प्रतिपादन किया था। प्रमुख बुक है इसका ला रिफॉर्म डिसोलिए, जो 1881 में यह बुक प्रकाशित हुआ। अगला है पैट्रिक ग्रेटिस, यह एक ब्रिटेन जियोग्राफर हैं। लीले का यह शिष्य था। इसका स्थान कार्य समाज व विचारधारा को विकसित किया, जो 2 विश्व युद्धों के बीच प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में प्रादेशिक नियोजन में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हेनरी ली मार्क्सवादी व दार्शनिक समाजवादी समाजशास्त्री थे। इसका महत्वपूर्ण कार्य है, इन्होंने रोजमर्रा जीवन की समालोचना की थी। इसका प्रमुख बुक है द क्विस्ट ऑफ द एवरी डे लाइफ, द सर्वाइजेशन ऑफ कैपिटलिज्म, द राइट ऑफ द सिटी, द अर्बन रिवोल्यूशन, इसका प्रमुख बुक है। अगला हैस बोवेक, हैस बोवेक यह ऑस्ट्रेलियन जियोग्राफर हैं। सांस्कृतिक व सामाजिक भूगोल पर इन्होंने विशेषकर नगरीय समाज पर कार्य किया। यह सांस्कृतिक सोपान का सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। अगला है एम टेलबोक फ्रेंच दार्शनिक समाजशास्त्री से। मुख्य रुचि यह सांस्कृतिक भूगोल में है। इसका प्रमुख बुक है द कलेक्टिव मेमोरी ओरिजन ऑफ द सोसाइटी, इसका प्रमुख बुक है। अगला है ईडूरेखम, फ्रेंच समाजशास्त्री व एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। यह लेबर पर इन्होंने कार्य किया था। इसका प्रमुख बुक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो 1993 में यह बुक प्रकाशित हुआ था। इसका अगला बुक है द रूल्स ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट मेथड, द एलिमेंट्री कॉन्फ्रेंस ऑफ द रीजनल लाइफ, हु वंडरेंस वार, इसका प्रमुख बुक है। ई रेकलस यह फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। यह फ्रांस के रिटर इसको कहा जाता था। इसका प्रमुख बुक है ला टारे, इसका प्रमुख बुक है द अर्थ एंड एडस कैपिटलिज्म,
हेविटेंस एनी बुटीमार यह एक ह्यूमिडिकस जियोग्राफर था, आयरलैंड की भूगोल वेत्ता थे। यह महत्वपूर्ण जियोग्राफर मानव कल्याण के लिए इन्होंने कार्य किया था। इसका प्रमुख बुक है विलियम इन जियोग्राफी, भूगोल में मूल्य, ह्यूमन एम्पेरिकल ऑफ द प्लेस एंड स्पेस। 1980 में यह प्रकाशित हुआ। द पैट्रिक ऑफ द जियोग्राफी, द जियोग्राफी ह्यूमिजियम एंड ग्लोबल कंसर्न्स इसका प्रमुख बुक रहा। अगला है डेनियल बेन, अमेरिकन जियोग्राफर हैं। इन्होंने पोस्ट इंडस्ट्री सोसाइटी उत्तर आधुनिकवाद प्रमुख शब्द का यूज किया था। इसका प्रमुख बुक है द कल्चर कंडीशन ऑफ द पेटियलिज्म। इसका प्रमुख पुस्तक है द कमिंग एज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसका प्रमुख बुक रहा मैनुअल केटर, स्पेनिश समाजशास्त्री था। इन्होंने नेटवर्क सोसाइटी शब्द का यूज किया था। इसका प्रमुख बुक है द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी, जो 1996 में यह बुक प्रकाशित हुआ था। द सिटी एंड द ग्रॉस रूट, 1983 में यह बुक प्रकाशित हुआ। अगला है डनरे मैगी, यह एक ब्रिटेन जियोग्राफर व समाजशास्त्री था। सामाजिक भूगोल में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसका प्रमुख बुक है द स्पेशल डिवीजन फॉर ऑफ लेबर, स्पेस प्लेस एंड जेंडर इसका प्रमुख बुक है। अगला है लुक डिकिंसन, 21वीं सदी के यह प्रमुख सामाजिक भूगोल वेत्ता है। इसका प्रमुख बुक है जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड कन्वेंशन। इसका प्रमुख बुक है कल्चर ऑफ द कैपिटल्स, जो 2010 में यह बुक प्रकाशित हुआ। सिटीज एंड कल्चर, 2007 में यह बुक प्रकाशित हुआ था। अगला है आर जे बेनेट, यह एक सामाजिक भूगोल का प्रोफेसर रहा। आर्थिक भूगोल के विश्लेषण में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सरकारी नीतियों पर इन्होंने कार्य किया था। इसका प्रमुख बुक है स्पेशल टाइम सीरीज, जो 1979 में प्रकाशित हुआ। द जियोग्राफी ऑफ द पब्लिक फाइनेंस, 1980 में यह बुक प्रकाशित हुआ। इन्वायरमेंट द प्लानिंग, इन्हें यह भूगोल वेत्ता ने स्थान से संबंधित जनता की नीतियों पर इन्होंने कार्य किया था। अगला है पीटरस जेंस, यह एक अमेरिकन जियोग्राफर है। यह मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहा। इसका कार्य है लैटिन अमेरिका जियोग्राफी के सामाजिक विकास के लिए इन्होंने कार्य किया था। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।